हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं व्यापम में आप किस तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बीएड में और शिक्षक में किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्री बीएड में और ये डीएलएड वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ से आपको क्या कर लेना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक कर लेना है। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका कहीं फर्स्ट टाइम है, आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते ही यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको दर्ज कर लेना है और गेट ओटीपी में सेंड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं सभी डिटेल को फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मोबाइल नंबर को दर्ज कर लिया, इनका फर्स्ट नेम दर्ज कर लिया और यहाँ पे देखिए लास्ट नेम दर्ज कर लिया। ये जो है आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में जैसा दिया हुआ है आपको वैसे ही दर्ज करना है, उनसे अलग आपको दर्ज नहीं करना है। अगर आप अपने आधार कार्ड के अनुसार पे कर रहे हैं तो दोस्तों, आपको अपने आधार कार्ड के आधार पे किसी भी डेटा को फिलअप नहीं करना है आपके एड्रेस के अलावा। यहाँ पे देखिए गेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप गेट ओटीपी में क्लिक करेंगे, एक जो है ओटीपी चला जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे और उस ओटीपी को यहाँ पे आपको दर्ज करके सबमिट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आपको ओटीपी को दर्ज कर लेना है। अगर दोस्तों कहीं आप नाम के स्पेलिंग में कोई गड़बड़ी किए हुए हैं तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, इसको सबमिट नहीं करना है, आपको फिर से यहाँ पे एडिट कर लेना है या कैंसिल कर लेना है। कैंसिल करने के बाद इसको वापस से आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अपने नाम को जो है आप स्पष्ट रूप से पहले मिलान कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे ओटीपी में सबमिट करना है आपको। तो यहाँ से चलिए मैं सबमिट में क्लिक कर लेता हूँ, मेरा जो फॉर्म है वो सही है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं उनको आपको फिलअप कर लेना है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका पासवर्ड, यहाँ पे तो सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड दर्ज कर लेना होगा। जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड आपको मैं स्क्रीन पे जो है पासवर्ड कैसे बनाना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वैसे यहाँ पे पासवर्ड को दर्ज कर लेना। तो देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आपकी जो मूलभूत जानकारियाँ हैं उसके बारे में। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, अपनी मूलभूत जानकारियाँ वो दर्ज कर लेंगे, जैसे कि आपका नाम ये पहले से जब आप दर्ज किए हैं वो है। यहाँ पर आपका रिलेटिव का नाम, यहाँ पर आपका फादर का नाम हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना मम्मी का नाम दर्ज कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर चयन कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना जो है डेट ऑफ बर्थ चयन कर लेना है। यहाँ पर अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो यस कर लेना है, नहीं तो नो कर लेना है। आपका परिवार का जो एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना है। यहाँ पे देखिए कि आप दिव्यांग हैं, तो अगर आप दिव्यांग हैं तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे देखिए अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अन्य जानकारी। यहाँ पे आपको इंडियन चयन कर लेना है, नागरिकता में आपको यहाँ पे इंडिया चयन कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपका वर्ग या कैटेगरी है उसको आपको यहाँ से चयन कर लेना है, आप एससी एसटी ओबीसी या जो भी हैं आप यहाँ से चयन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपको स्थानीय जिला निवासी आपको चयन कर लेना है, आप जिस जिले से हैं उनका। आपको अपना वैवाहिक स्थिति को चयन कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी दर्ज कर लेना है और यहाँ पर देखिए आपका हाउस नंबर चयन कर लेना है। अगर आपके आधार कार्ड में आपका हाउस नंबर दिया हुआ है तो आप दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना मोहल्ले या जो पारा है उसका नाम आप दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका सिटी या जो है विलेज अर्थात अपना शहर का नाम या फिर गांव का नाम दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको अपना स्टेट चयन कर लेना है इस तरीके से। यहाँ से आपको अपना जिला का चयन कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड दर्ज कर लेना है, जो आपका एरिया पिन कोड है ये आपको अपने आधार कार्ड के पीछे में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक मार्क लगा देना है इस तरीके से। जैसे टिक मार्क लगाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको आपका फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो फोटो सिग्नेचर जो है किस तरीके से आप रिसाइज करेंगे दोस्तों, मैं ये आपको बताने वाला हूँ और साथ ही साथ जो है उसको आप किस तरीके से रिसाइज करके अपलोड करेंगे ये बताने वाला हूँ। तो चलिए, ये मुझको फ़ोटो जो है और सिग्नेचर को व्हाट्सअप में सेंड किया है, तो मैं यहाँ से व्हाट्सअप को ओपन कर लेता हूँ। देखिए मैंने ये व्हाट्सअप को ओपन कर लिया, ये हो गया। यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड यहाँ पर देखिए, ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया इनका फ़ोटो और ये इनका सिग्नेचर है। तो यहाँ से मैं जो है सिग्नेचर को भी इनका डाउनलोड कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए व्हाट्सअप का जो फ़ोटो सिग्नेचर होता है वो फोटोशॉप में वर्क तो नहीं करता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसके बाद क्या है,
ओपन विथ, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से आप इसमें थोड़ा सा ऐसे कुछ भी इफेक्ट वगैरह ऐड करके या इसको क्रॉप वगैरह करके आप क्या कर सकते हैं, इसको सुरक्षित कर सकते हैं। ये देखिए मैंने क्रॉप में क्लिक किया और यहाँ से मैंने क्रॉप कर लिया और इसको मैंने ये सुरक्षित कर लिया, ये ऐसा। अब यहाँ से जो है इसमें क्लिक करूँगा, अब ये जो सिग्नेचर है इनका, इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ ऐसा। अब इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऑटो करेक्ट कर लेता हूँ, लाइटनिंग आ जाएगा। ये ठीक नहीं लग रहा है, कंट्रोल जेड से वापस कर लेता हूँ और इसको भी मैं कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ। अब ये जो है फोटोशॉप में आसानी से चला जाएगा। अब चलिए दोस्तों, इसकी जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र है या फिर कोई भी ब्राउज़र में आ जाना है, यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है BG remove, इस तरीके से आपको दर्ज कर लेना है BG remove। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले में क्लिक कर लेना है, जैसे ही क्लिक करेंगे अपलोड इमेज करके आ जाएगा, यहाँ पे अपलोड इमेज में क्लिक कर लेना है। अब आपका जिस लोकेशन में इमेज रखा हुआ है उसमें चला जाना है, यहाँ पे आपको इमेज को सेलेक्ट करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपकी जो इमेज की बैकग्राउंड है वो जो है रिमूव हो जाएगा और आपको कोई अच्छे से बैकग्राउंड चाहिए तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसमें अपना बैकग्राउंड को जो है आप ऐड कर सकते हैं एडिट के माध्यम से। एडिट में आ जाइए और यहाँ से आपको अपना जो है बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। इसमें बहुत सारा बैकग्राउंड दिया हुआ है, अगर आप कलरफुल जो है बैकग्राउंड चाहते हैं तो ऐसा कुछ आप यहाँ पे बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड में क्लिक कर लेना है, आपको फोटो जो है यहाँ पे डाउनलोड होने के लिए रेडी है। ये देखिए ये डाउनलोड हो गया, आप देख सकते हैं फोटो आपका डाउनलोड हो गया है। अब इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ से अब मैं अपने फोटोशॉप को ओपन कर लूँगा। इस तरीके से फोटोशॉप को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने फोटोशॉप को ओपन कर लिया और ये मेरे डाउनलोड फाइल में रखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये डाउनलोड फाइल में रखा हुआ है। मुझको ये जो है इमेज और सिग्नेचर दोनों को ये देखिए मैंने कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, इस तरीके से ये आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद देखिए दोस्तों आपको इसको क्या कर लेना है, ये जो फोटो है उसको ऐसे क्रॉप कर लेना है। आप देख सकते हैं क्रॉपिंग साइज मैं यहाँ पे नहीं दिया था, ये इसको नॉर्मली मैंने क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद देखिए मैंने इंटर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इनका जो सिग्नेचर है उनको भी मैं क्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं ये इनका सिग्नेचर जो है क्रॉप हो गया। अब देखिए फोटो सिग्नेचर में, फोटो में मैं थोड़ा सा स्ट्रोक अप्लाई कर देता हूँ। इसके लिए मैं एडिट में जाऊँगा, यहाँ पे देखिए स्ट्रोक दिया हुआ है और ये स्ट्रोक जो है 6 पिक्सल करके है। यहाँ पे मैं जो है ब्लू या फिर ब्लैक कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ, ब्लैक कलर। और स्ट्रोक में जो है आपको सेंटर रखना, ये मैंने ओके कर दिया, यहाँ पे ओके कर दिया। देखिए ब्लैक कलर का जो है स्ट्रोक अप्लाई हो गया। अब इनका फोटो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो बैकग्राउंड है उसको कंट्रोल एल कर लीजिए। कंट्रोल एल करने के पश्चात आप इसकी जो लेवल है या ब्राइटनेस है उसको अधिक या कम ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए इसकी सिग्नेचर जो है किस तरीके से जो है उभर आया। तो आपको इस तरीके से क्या कर लेना है, इसकी सिग्नेचर अच्छे से आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ से इसकी लेवल को आगे पीछे करके सिग्नेचर को ऐसे एडिट कर सकते हैं। अब इसको ओके कर देना है। अब इसकी फ़ोटो में अगर थोड़ा सा कहीं आपको ब्राइटनेस लाना है तो कंट्रोल एल प्रेस कर लेना है। कंट्रोल एल प्रेस करने के बाद देखिए इसकी जो लेवल है उसको ऐसे कम या थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे आप कर सकते हैं। अगर फ़ोटो आपको ठीक ठाक लग रही है तो आपको फ़ोटो में कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करना है, वैसे फ़ोटो जो है नॉर्मली ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से मैं इसको ओके कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको इसको सुरक्षित करना है तो आप जो है अल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करेंगे, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो जो है 60 से 40 KB का मंगा हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फ़ोटो जो है JPG में है, यहाँ पे देखिए क्वालिटी जो है 97 दिया हुआ है। अब इसको आपको कम कर लेना, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 27 का आ गया है। अब यहाँ से फिर इसकी क्वालिटी को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ऐसा कुछ। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे 32 का आ गया है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसकी क्वालिटी को और बढ़ाऊँगा। ये देखिए 48 हो गया 80 में, अब ये 82 में देखिए 45। तो इस तरीके से आपको फ़ोटो को क्या कर लेना है, एडिट कर लेना है। और यहाँ से मैं इसको सुरक्षित कर लेता हूँ, देख सकते हैं ये डेस्कटॉप में जा रहा है। यहाँ से मैं न्यू फोल्डर जनरेट कर लेता हूँ और इनका नाम से ऐड कर देता हूँ। ये मैंने इसका नाम से फोल्डर इंटर कर लिया। अब यहाँ पे इसको मैं क्या कर देता हूँ, सुरक्षित कर लेता हूँ। ये हो गया इनका फ़ोटो सुरक्षित। अब जो है सिग्नेचर की बारी है, सिग्नेचर भी 40 से 60 होना चाहिए। तो यहाँ से अल्ट कंट्रोल शिफ्ट और एस आपको प्रेस कर लेना है इस तरीके से। या ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए फाइल में आ जाना है। फाइल में आने के बाद देखिए दिया हुआ है सेव अस वेब पेज,
इसमें आपको क्लिक करना है। फ़ोटो रीसाइज करने का सबसे आसान तरीका इसमें यही होता है। अब इसकी जो क्वालिटी है उसको आप ऐसे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 39.29 KB का ये बन गया साइज़। लेकिन ये जो है 40 मंगा है, उससे कम नहीं मंगा है। तो आप यहाँ पे देखना, ये जो दिया हुआ है इमेज साइज़, इसमें आपको आ जाना है। ये 731 है, इसको आप जो है 780 के आसपास ऐसे कर दीजिए और यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे देखिए 42.3 KB का जो सिग्नेचर है वो बन गया है। अब इसको आपको सुरक्षित कर लेना है। यहाँ पे एक देश कर सकते हैं, ये इनकी फाइल आ गया। अब यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो इनका फॉर्म है जिसमें फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, फोटो जो है 40 से 60 KB के बीच में है। फोटो सिग्नेचर और फाइल जो है आपका JPG या PNG होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, फोटो में ब्राउज में क्लिक करना है और यहाँ पे जो है आपको डेस्कटॉप में अपने आ जाना है, जहाँ पे इनका फोटो रखे हुए हैं इस तरीके से। यहाँ से आपको ओपन में क्लिक करना है और ये अपलोड कर देना है। अब जैसे ही अपलोड में क्लिक करेंगे, इनका फोटो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे अपलोड में आपको क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इनकी जो फोटो सिग्नेचर है वो अपलोड हो गया है। अगर आपको एक बार आप चाहते हैं अपनी पूरी डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी पूरी डिटेल्स को आप एक बार जो है चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको सबमिट में क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से मैं जो है अपनी पूरी डिटेल्स को चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं अपनी सभी डिटेल्स को एक बार आप फिर से जो है सबमिट, फाइनल सबमिट करने से पहले आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अगर आपको कहीं पर कोई त्रुटि लगता है तो आप उस त्रुटि को सुधार सकते हैं, क्योंकि फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद जो है आप किसी भी तरह की सुधार नहीं कर सकते। अगर आपको डेटा सही लग रहा है तो आप जो है आई एग्री में क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको ये कैप्चा कोड को दर्ज कर लेना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, मैं जो है कैप्चा कोड को दर्ज कर लेता हूँ। इस तरीके से कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद आपको सबमिट में क्लिक कर लेना है और यहाँ पे देखिए जो है ये सक्सेसफुली, यहाँ पे देखिए ये जो है सक्सेसफुली आपका इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन हो गया। तो दोस्तों आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपना इनरोलमेंट जो है रजिस्ट्रेशन आप जो है इस तरीके से आप सक्सेसफुली कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है आपको क्या करना है, इसकी जो है प्रिंट ले लेना है। यहाँ पे आपको प्रिंट डिटेल में क्लिक कर लेना है और यहाँ से मैं इसको क्या है सेव PDF में क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से सेव में क्लिक कर लूँगा और इनके नाम से जो फाइल है उसमें मैंने सुरक्षित कर लिया। सुरक्षित करने के बाद इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या कर लेना है, गो टू यूज़र लॉगिन पेज, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो है आपको मोबाइल नंबर आपको दर्ज कर लेना है। इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर दर्ज कर लिया और यहाँ पे आपको इनका यूज़र आईडी हो गया और ये जो है पासवर्ड आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना है। तो यहाँ से मैं जो है इनका पासवर्ड जो है दर्ज कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने पासवर्ड दर्ज कर लिया और यहाँ पे लॉगिन में क्लिक कर लेता हूँ। लॉगिन में क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इस पासवर्ड को मैं सुरक्षित कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इनका जो है, मैं DLED में, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आपकी प्रोफाइल में कोई गड़बड़ी हुई है तो आप एक बार जो है यहाँ से अपनी प्रोफाइल को आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इनकी प्रोफाइल में जो है एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आप सिर्फ प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किए हैं तो यहाँ पे पहले एडिट का रजिस्ट्रेशन आता था, अभी जो है इसको हाइड कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इनका जो है BEd में फॉर्म हम फिलअप करने वाले हैं। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, अपनी BEd को यहाँ से स्क्रॉल करते हुए ऐसे आपको ढूंढ लेना है। तो ये जो है देखिए, यहाँ पे BEd और DLED का दिया हुआ एंट्रेंस एग्ज़ाम, यहाँ से आपको अप्लाई में क्लिक कर लेना है। जैसे अप्लाई में क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे BEd और DLED, चाहे तो अगर आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीटली हो गया है तो BEd और DLED जो है दोनों में आप एंट्रेंस एग्ज़ाम का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, सबमिट में क्लिक कर लेना है। अब देखिए सबमिट में जैसे ही क्लिक करेंगे, आके जो है अपना जो है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड, आपका नाम, आपका फादर का नाम, मदर का नाम और यहाँ पे आपका लिंक और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे आपका एज, यहाँ की कैटेगरी और यहाँ पे देख सकते हैं ये पेबल अमाउंट, मतलब व्यापम आपसे कोई फीस नहीं दे रहा है। जो भी आपका चार्ज लगना है, जो CSC सेंटर या जहाँ से ऑनलाइन कैफे से आप फॉर्म फिलअप करा रहे हैं वहाँ से लगना है। यहाँ पे आपको अपना जो है, यहाँ पे आपको अपना एग्ज़ाम सिटी का चयन कर लेना है। तो यहाँ से मैं जो है मुंगेली का चयन कर लेता हूँ। इस तरीके से एम प्रेस करूँगा और ये देखिए मुंगेली आ गया। यहाँ पे देखिए आपका क्या, आपको लेखक सह लेखक की आवश्यकता है करके आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्या आपको सह लेखक की आवश्यकता है, ये आ रहा है। तो यहाँ पे आप कहीं आपका हाथ वगैरह में चोट आ गया है, आप लिखने में असमर्थ हैं, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो ही रहने देना। यहाँ पे देखिए श्रेणी दिया हुआ है,
क्या आप किसी वर्ग क्लास से संबंधित हैं? अगर आप किसी वर्ग क्लास से संबंधित हैं तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, जैसे कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं या फ्रीडम फाइटर हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। नहीं है तो आप नो कर देना है। नो करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको फिर से वापस से डिक्लेरेशन जो घोषणा है उसमें आ जाना है। यहाँ पे आपको ये सभी जानकारियाँ पढ़ लेना है और आई एग्री में क्लिक कर लेना है, मैं सहमत हूँ मैं। अब यहाँ पे जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कैप्चा कोड में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कैप्चा कोड को दर्ज कर लेना है। इस तरीके से मैं कैप्चा कोड को यहाँ पे दर्ज कर लेता हूँ। ये हो गया, जैसा आपका कैप्चा कोड दिया हुआ है वैसे ही आपको दर्ज करना है और सबमिट में क्लिक कर लेना है। अगर आप चाहें तो एक बार इसको वापस से आप चेक कर सकते हैं, अगर कहीं पे कोई त्रुटि है तो। ये सभी डिटेल्स आपका पहले से फिलअप किया हुआ आता है, आपको सिर्फ जो है एग्ज़ाम सिटी चयन करना होता है और जो है क्लास को चयन करना होता है, बस इतना ही आप क्लिक करके इसमें सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको बोल रहा है, अगर ये एक बार जमा हो गया तो इसको दोबारा जो है संशोधित किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता, तो आपको यहाँ पे ओके कर लेना है। अगर आपको कहीं पे कोई भी सुधार करना है, जैसे कि आपकी एग्ज़ाम सिटी में या क्लास में, तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं वापस से, नहीं तो आप कन्फर्म एंड सबमिट में क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ओके में क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओके में क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपकी जो फॉर्म है फाइनली जो है सबमिट हो जाएगा और इसका जो है आपको क्या करना है, प्रिंट लेना है। तो आप सक्सेसफुली एप्लीकेशन में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद देखिए दोस्तों, ये प्रिंट दिया हुआ है, इसमें क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रिंट में क्लिक करेंगे, आपका जो है यहाँ पे हम प्रिंट में जैसे ही क्लिक करेंगे, एक पेज आपका प्रिंट होने के लिए चला जाएगा, अर्थात जो है प्रिंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है प्रिंट होने के लिए आ गया। ये इस तरीके से देखिए प्रिंट के लिए आ गया। अब यहाँ से आपको क्या कर लेना है, इसको प्रिंट कर लेना है। मैं इसके नाम से जो फाइल बना हुआ है उसमें इसको मैं सुरक्षित कर देता हूँ, ये इस तरीके से। तो ये इनका जो है डीएड बीएड का फॉर्म है जो प्रिंट हो गया है। अब चलिए दोस्तों, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, लॉन्ग आउट कर लेता हूँ। वापस से अगर आपको होम पेज में जाना है तो होम पेज में आपको आ जाना है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप जो है हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए, लाइक किए और कमेंट किए चले जाते हैं, तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।